Is it okay? Now the board is visible. Am I audible, visible? Kindly reply, please. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? फाइन, ओके, होप यू एंजॉयड योर संडे, स्टेइंग एट होम सेफली एंड फाइटिंग विद कोरोना. तो कैसा आप जो होप हम सारे आपके हमने कमेंट्स देखे, कुछ क्वेरीज आपके थे उसके मैंने रिप्लाई किए. वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट. स्टेइंग एट कोरोना, स्टेइंग ये कोरोना डेज में घर में रहना और आपके द्वारा रिस्पॉन्स लेना, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीवन. वंस अगेन गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन एंड ऑल डियर फ्रेंड्स जो हमें देख पा रहे हैं. दिस इज क्लास 12 फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री. First chapter, bricks, beads and burials. Bricks, beads and burials. Harappan civilization. So once again, this is the class of history for class 12. First chapter, Harappan civilization. I hope it is clear.
टुडे इज द थर्ड डे और शुरू के दिन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस थे। इंट्रोडक्टरी क्लासेस में फर्स्ट हम रीकैप देखते हैं, पुनरावृत्ति देखते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ लोगों ने डे टू ज्वाइन किया था, कुछ लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग बाद में देखेंगे। तो एक रीकैप के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, दैट इज द डॉन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का उषाकाल। शुरू में हमने देखा था किस तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। दयाराम साहनी 1921 में सबसे पहले खोज किया गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन बाद में हड़प्पा के जो उत्खनन हुए, उत्खनन काम के बाद जो जमीन के भीतर जो उत्खनित जो शहर मिला, हड़प्पा शहर, बाद में सारे ईंटें लोग निकाल लिए गए। कहते ईंट चोरों की भेंट चढ़ गया वो हड़प्पा शहर। इसलिए एक मुकम्मल तस्वीर, एक पूरी कंप्लीट पिक्चर हड़प्पन सिटी का, फॉर द ऑल्दो इट वाज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड, एक पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाई। आपकी किताब में हड़प्पा की दुर्दशा नाम से एक छोटा सा नोट बाई तरफ दिया गया, हड़प्पा की दुर्दशा, कि हड़प्पा के बारे में पूर्ण जानकारी हमें इसलिए नहीं पाई कि सारे जो उत्खनित शहर वो हड़प्पा शहर के, क्योंकि वहां के लोग उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए और हड़प्पा शहर सारे ईंटें चुरा के ले गए। तो जो चीजें, जो एक बड़ा शहर हमारे सामने आज है, जिसके लिए जहां आज हम उसकी टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो बड़ा शहर मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग की आज बात करेंगे। तो जो डे वन में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह, हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड एंड वट वेर द रोल ऑफ सम ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, दयाराम साहनी, राखल दास बैनर्जी, and what was the importance and the features of the Harappan civilization to the world and to the Indians, because the first feature humne baha ye ek shahri kendra tha, it was an urban civilization, and for the urban features that from today, this year 2020, 4600 years back, we the people of India, our ancestor, they used to live in the urban cities, urban areas, for which and contemporary world may be मेसोपोटामिया में और दूसरी सभ्यताओं में भी लोग शहरों में रहते थे। इसलिए हमें ये, वी शुड फील प्राउड ऑफ इट दैट आवर एंसेस्टर्स 4600 साल पहले कभी शहरों में रहते थे। इसलिए अर्बन फीचर्स इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी, और उसी अर्बन फीचर्स की बात आज हम शुरू करेंगे। कुछ कमेंट्स जब हमने देखे, बच्चे बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स के मैंने जवाब दिए। कुछ क्वेरीज थे, बच्चे सारे करता हूं आपके जवाब में वहीं दूं। वो कुछ क्वेरीज ये थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह नाम क्यों पड़ा, इन सारे क्वेरीज का जवाब हमने दिया है, और आगे जो भी रिमार्क्स देखे मैं समय लूंगा बीच में, ये रिमार्क्स के को भी मैं डे टू में हमने पुनरावृत्ति में हमने हड़प्पा के लोगों के सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी पर चर्चा की। कल हमने सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी पर चर्चा की, जिसमें ये डे टू का ये है, जिसमें हम लोगों ने, यानी वो किस तरह, कौन कौन सी आजीविका का पालन करते थे, कौन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स क्या थे। तो मेनली बेसिकली एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, and they were involved in the trade and commerce, and this distant trade that time we traded with Mesopotamia, Oman, Bahrain. So that was also a feature that even before 5000 or 4600 years back, the people of India, they had trade links, trade contacts with the distant land, distant countries. हमने कृषि तकनीक के बारे में बात की कि हड़प्पा के लोगों ने में कृषि करते थे और कौन-कौन सी फसलें उगाते थे, ये हम लोगों ने डे टू में चर्चा की। कृषि तकनीक में कल एक मैं कमेंट देख रहा था कि कृषि और कृषि तकनीक में अंतर, तो कृषि को सफल करने के लिए और एग्रीकल्चर के बेहतर प्रोडक्शन के लिए जो भी तकनीक यूज हो रहे हैं ये कृषि तकनीक कहलाती है, एग्रीकल्चर टेक्निक टेक्नोलॉजी।
ये कृषि प्रौद्योगिकी है, आज भी यूज होते हैं। आज के दिन में अगर आपसे पूछा जाए, एक सवाल है कि कृषि में कौन कौन से तकनीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, द केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, दीज आर द टेक्निक्स। हम लोगों ने ट्रेड की बात की, ये डे टू में है आज, और बीच में हमने एक सोर्स में एक मूवी की बात की थी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मूवी ऋतिक रोशन की बहुत फेमस मूवी थी, और टाइटल सॉन्ग भी मुझे याद है, मोहनजोदड़ो। मेरा तो मन था कि मैं चलाऊं पीछे, ताकि एक कहते हैं कि वो एक वाइब्रेशन हो जाए आपको कि हम मोहनजोदड़ो एक हमारे सिविलाइजेशन के एक पुराने और एक महत्वपूर्ण नियोजित एक प्लान सिटी के अंदर हैं, वो होना चाहिए। तो आप उस मूवी को जरूर देखें, मूवी में जो इसके सारे फीचर्स जरूर आप ध्यान दें। मोहनजोदड़ो एक्सीलेंट सोर्स, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में जो आप कल्चरल एस्पेक्ट्स देखेंगे, इस चैप्टर में जो अर्बन फीचर्स आप देखेंगे, वो जो दुर्ग देखेंगे, मुहरे देखेंगे, यूनिकॉर्न देखेंगे, ड्रेस पैटर्न देखेंगे, क्योंकि ऋतिक रोशन वो आमरी का है, आमरी एक शहर है। तो मोहनजोदड़ो मूवी एज अ सोर्स आप जरूर इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कहेंगे कि छुट्टियों के इन दिनों में, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, एंड आई होप कि आप इस समय का भरपूर उपयोग करेंगे। नाउ कम टू दी टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। दिस इज द टुडेज टॉपिक, टाउन प्लानिंग। इफ वी द पीपल, इफ आवर एंसेस्टर्स यूज टू लिव इन द टाउन, तो शहर में रहना और एक प्लैंड सिटी में रहना, तो उस प्लैंड सिटी मोहनजोदड़ो को हमने चुना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, और भी कई सिटीज थे बिकॉज अर्बन सेंटर्स कई हैं। हमने डे वन डे टू दोनों दिन हमने चर्चा की थी कि ये कई सिटीज थे, कई शहर थे, जिसमें ऑन पेज नंबर टू देर इज अ मैप ऑन द टेक्स्ट बुक इन विच द हड़प्पन साइट्स के बारे में बात हुई, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपके कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, ये सारे की चर्चा हुई थी। अब आइए, ये पूरा शहर, एक शहर को ले लीजिए, दो पार्ट थे। नंबर वन, दैट इज द इट वॉज अ प्लैंड सिटी। आपसे प्रश्न यही है कि इट वॉज ए प्लैंड सिटी, इसके फीचर्स बताइए। हमने मोहनजोदड़ो ये चुना कि वो एक दैट्स अ कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट अर्बन फीचर्स हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा तो हमने बताया कि ये तो ईंट चोरों की भेंट चढ़ गया, अदरवाइज उसके भी फीचर्स बहुत अच्छे से, हालांकि कई फीचर्स हमें भी आर्कियोलॉजिस्ट ने सामने पेश किए हैं लोगों के, और हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो के फीचर्स हम देख रहे हैं, और ये प्रश्न, ये सारा जो फीचर्स हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड अर्बन फीचर्स हैं, ऑल्दो ये सारे फीचर्स हड़प्पा के सभी शहरों में कमोबेश, थोड़े वेरिएशंस के साथ, थोड़ी भिन्नता के साथ, कमोबेश सारे अर्बन सेटलमेंट्स में लागू थे। फिर हम मोहनजोदड़ो की हम बात करें, इट वॉज ए प्लैंड सिटी। अगर आपसे पूछा था विशेषताएं, तो पहली बात आप लिखेंगे यह एक नियोजित शहरी केंद्र था, इट वॉज ए प्लैंड सिटी, दिस इज नंबर वन। I was reading the comments, उसने कहा कि सर नोट्स दे दीजिए, एक ने कहा कि सर असाइनमेंट्स आप थोड़े फास्ट में धीरे धीरे बोलें, so I will try कि नोट्स दे देना, आप एक बार किताब पढ़ लें, क्योंकि एक YouTube लिंक भी है अवेलेबल, आप YouTube में देखें, लेक्चर देखें, आप बुक पढ़ें, वो सारे सेव लेक्चर्स हैं आपके, आप किताब पढ़िए, और किताब अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बिल्कुल ई पाठशाला आप डाउनलोड करें, एनसीईआरटी की ई पाठशाला, ई पाठशाला में आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करें, चैप्टर वन पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में रखिए, लैपटॉप में रखिए, और आप पढ़िए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांटेज दे रही है कि हम घर में रहते हुए भी पूरा इसका उपयोग कर रहे हैं। ये पूरी जो सिटी थी, पूरी जो बस्ती थी, पूरा जो सेटलमेंट था, उसके दो भाग हैं, दो पार्ट में पूरी सिटी बटी हुई है। एक भाग जो ऊंचाई पे बसा हुआ है, ऊंचाई पे कैसे, चबूतरे पे, ऊंचाई पे, शहर का ऊंचाई वाला भाग है, यह शहर का पश्चिमी भाग है।
मोहनजोदड़ो शहर दो भाग में बंटते हैं, एक भाग जो ऊंचाई पर है यह भाग दुर्ग कहलाता है, दैट इज नोन एज द सिटाडेल और एक्रोपोलिस। सिटाडेल दुर्ग, दूसरा भाग लोअर टाउन जो निचला शहर है, यानी दूसरा पॉइंट आपने चर्चा किए शहर के दो भाग। ये देखिए हमारे पास प्लानिंग है, ये शहर का ये ऊंचाई वाला भाग है, काफी छोटा दिख रहा है, और ये शहर का निचला हिस्सा है, यह भाग जो आप देख रहे हैं यह दुर्ग है, ऊंचाई पर स्थित है, और ये शहर के पश्चिमी हिस्से में है, छोटा है, यहां द पीपल हु इनहैबिटेड देयर, द पीपल ऑफ रूलिंग क्लास, छोटा इसलिए क्योंकि रूलिंग क्लास कम ही होंगे, आबादी में कॉमनर्स या कॉमन मैन से ज्यादा तो नहीं हो सकते, इसलिए यह भाग छोटा है। यह दुर्ग जो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके किताब में भी है, और ये आप नेट से भी देख सकते हैं, और ये प्लानिंग भी देख सकते हैं, ये यह हिस्सा, ये पूरा मोहनजोदड़ो सिटी है, और ये सिटी का यह पश्चिमी हिस्सा यह दुर्ग है, ऊंचाई पर स्थित है, और यहां इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, महत्वपूर्ण इमारतें हैं, शासकीय इमारतें जिसे आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं दुर्ग। Now, explain the features of Citadel. ये दुर्ग जिसके हमने बात की तो मैंने बताया कि ऊंचाई पर स्थित है, मैंने ये बताया, ये आपने देखा भी, ये छोटा छोटा क्यों, कि ये शासकीय वर्ग का ये रहने का स्थल है, और शासकीय इमारतों का स्थल है, ये रूलिंग एलिट, रूलिंग क्लास, दे इनहैबिटेड देयर, रूलिंग क्लास कम होते हैं रहते थे ये, और ये छोटा, और ये पश्चिमी भाग में स्थित है, और यह ऊंचाई पर, ऊंचे चबूतरे पर, थर्ड इज द ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, एंड हु इनहैबिटेड देयर, कौन रहते थे, तो यहां रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, ये दुर्ग की विशेषताएं हैं। तो चार पॉइंट्स आपने अभी देख लिया, दुर्ग क्या है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर के दो भाग, ऊंचाई वाला भाग, ऊंचाई वाला हिस्सा जहां जो छोटा है और पश्चिमी भाग में है, वो मोहनजोदड़ो शहर के पश्चिमी भाग में, यह जो आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो शहर है, और ये मोहनजोदड़ो शहर के वेस्टर्न पार्ट में ये दुर्ग है। तो दुर्ग की विशेषताएं में हो गई, छोटा, शासकीय लोगों के आवास, पश्चिमी भाग में स्थित, ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया, और ये दीवारों से, बड़ी और ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी, बड़ी वेल प्रोटेक्टेड थी। तो दुर्ग के फीचर्स आप देख रहे हैं, सिटी के दो भाग, दुर्ग जो ऊंचाई पर स्थित है, इट वॉज वॉल्ड, यहां एक और चीज ऐड कर देंगे, इट वॉज अ वॉल्ड, ये चारों ओर दीवारों से घिरी हुई थी। अब आइए लोअर टाउन, लोअर टाउन जो आप देखें कि लोअर टाउन ये निचला शहर है, और निचला शहर अपेक्षा यह बहुत बड़ा है, बड़ा है, और यहां कॉमनर्स या कॉमन पीपल या कॉमन पीपल के रेसिडेंशियल हाउसेस थे। शहर के दो दुर्ग हमने देख लिया, शासकीय लोगों के स्थल हैं, शासकीय इमारतें हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वहां अनाज के गोदाम मिले हैं, वहां द ग्रेट बाथ मिला है, वहां मेनी पिलर्ड हॉल्स मिले हैं, तो ये हैं। अब हम देखें कॉमन लोगों के आवास कहां थे, तो ये निचला शहर है, दैट वॉज द लोअर टाउन। तो लोअर टाउन में द फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इट वॉज द प्लेसेस वेयर द पीपल, द कॉमन पीपल लिव्ड,
The places, it was the area where the you will find the residential buildings. और यह भी ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया था. पहले ऊंचाई पे चबूतरा बनाया गया मिट्टी का, और इसके बाद प्लानिंग के साथ प्लेटफॉर्म बनाए गए. एंड जितना बड़ा यह क्षेत्र है, सारा ऊंचाई पे है, और ये आप सोच सकते हैं बड़ा लेबर इंटेंसिव ये प्रोजेक्ट था कि इतना मिट्टी में का इंतजाम करना, इतना ऊंचा चबूतरा बनाना, उस चबूतरे के ऊपर लोगों के निर्माण, ये बहुत श्रम साध्य काम है. और कहते हैं कि इतने ज्यादा लेबर्स और जो लगे होंगे, और इतने लेबर को मोबिलाइज करना, यह बहुत बड़ी चीज है. जब हम अपने घरों में 4, 5, 10 लेबर भी लगाते हैं तो कभी कभी हमारी एक्सीलेंसी दिखती है, और कभी कभी हम फेल हो जाते हैं. उसमें 1-2 लेबर कभी काम ना भी करता हो, तो कहते हैं कि लेबर को खटाना और लेबर से काम करवाना, यह भी एक एफिशिएंसी है. अब आप सोचिए कि शायद इतने बड़े पैमाने पर श्रमिकों से काम करवाया जाना, जो भी शासक वर्ग होगा उसकी वो एफिशिएंसी होगी. ये शासक वर्ग की एफिशिएंसी को दर्शाता है. चबूतरा बन गया, मैं निचले शहर की बात कर रही हूं, उस चबूतरे पर फिर भवन निर्माण का काम शुरू होगा, और पहले प्लानिंग होगी. ऐसे नहीं बना है, जगह मिल गई, कोई आगे बना रहा है, कोई आड़ा तिरछा, बाएं दाएं, कोई आगे निकाल, नहीं, बिल्कुल प्लानिंग के साथ बनेंगे. पहले प्लान, देन इंप्लीमेंटेशन. दिस वे द फीचर्स ऑफ द लोअर टाउन. सो वंस अगेन, शहर के दो भाग, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेटलमेंट. मोहनजोदड़ो शहर के दो भाग, जनरली सारे अर्बन सेटलमेंट में दो भाग, कुछ को छोड़ के कहीं ये 3 भाग भी मिले हैं, लेकिन सारे तकरीबन सारे हड़प्पन जो सेटलमेंट्स मिले हैं वहां शहर के दो भाग. तो यहां मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो के टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जहां सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये हो गया. सिटाडेल के फीचर्स आपने देख लिए एंड लोअर टाउन के फीचर्स देख लिए, और ये तो आपको अगर सिटाडेल के बारे में और लोअर टाउन में दो अंतर अगर बोला जाए, तो टू डिफरेंसेस ऑफ द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. अब आप सोच के बताइए, कमेंट करें, सिटाडेल एंड लोअर टाउन द टू डिफरेंसेस क्या थे. गिव योर कमेंट्स. Yes, right. Citadel is the upper town. Karishma Sahu. Citadel is upper town. Very good. Kalicharan Sahu. Ruling class live in Citadel and the common people lived in the lower town. Very good. Excellent. Dev Singh, Citadel upper class ke liye tha. Very good. Akshay. Excellent. Citadel was higher and smaller. Very good, Ankita, Mamta, Gautam Sam. Very good, excellently answered. Very good, very clear concepts. So, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेना है. जनरली जब आप
हम ये सोच के ना इससे पढ़े कि हाँ हड़प्पा जैसे दिमाग में आया हड़प्पा, अरे फिर वही रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज दिमाग में रखिए, जब हम शहर की बात कर रहे हैं तो आज आप जिस शहर में हैं उसके प्लान देखिए दिमाग में। इसको कहते हैं कोरिलेट करते हैं आप हिस्ट्री को, हिस्ट्री को आप लाइव बना देते हैं, आप बिल्कुल जीवंत बनाते हैं, इट इज नॉट डेड। हम एक कंपेरिजन करते हैं, अभी हम जब टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं शहर में कुछ, अब आप बताइए आप दिल्ली में अगर आप हैं तो दिल्ली में कौन से क्षेत्र आपको, वो सिटाडेल तो ऊंचाई पे तो बने ना हो लेकिन वो रूलिंग एलिट्स के, वो रूलिंग क्लास के हैं, वो नॉर्थ ब्लॉक वो साउथ ब्लॉक वो सारा है कैंपस वो एरियाज वो आप है। तो इस तरह आप कंपेयर करें आज के शहरी जो आज के अर्बन फीचर्स हैं, हम बात करेंगे और थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश की, बिल्कुल अपने आप को एंशियंट वर्ल्ड में एंशियंट टाइम में ले जाइए आप, और फिर आज से आप तुलना कीजिए, ये आपके ये एक एक लाइव हो जाएगा आपका हिस्ट्री। आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं लोअर टाउन के बाद। वेरी गुड आंसर, स्टिल आंसर इज कमिंग। गौतम सैम, अंकिता चौधरी, सिटाडेल वॉज मेड फॉर हायर क्लास पीपल एंड लोअर पार्ट वॉज मेड फॉर द कॉमन पीपल। अंकिता, ममता, इट इज द कॉमन पीपल इन द लिविंग इन द लोअर टाउन। गौतम, वेरी गुड, सो इट मीन्स बहुत अच्छा। अब आइए, ये दुर्ग हमने कहा शासकीय इमारतें होती थी दुर्ग के। अब दुर्ग आपसे पूछा गया दुर्ग के फीचर्स, बहुत अच्छे ये 5 मार्क्स 3 मार्क्स इतने बड़े क्वेश्चंस में आएंगे दुर्ग के फीचर। 2-3 फीचर्स तो आपने अभी बता दिया, आप ये फीचर से समझ गए। जब ये कम है और ये शासकीय इमारतें हैं तो हमें कैसे पता है वो शासकीय इमारत, ये दुर्ग पार्क ये पोर्शन। अब इसमें बिल्डिंग्स हम देखें, कौन कौन से बिल्डिंग्स हमें खुदाई में मिले हैं। आप सबसे पहले, अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो भी कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि आप सीधा ई पाठशाला डाउनलोड करें, ई पाठशाला में वो टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 आप बिल्कुल खोल के रखिए, ये आपके पेज नंबर 8 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 में सिटाडेल का पूरा फीचर्स है, आप ध्यान से इसके नक्शे को आप देखिए, पूरा सिटाडेल ये चैप्टर का ये मेन ये फीचर, ये सिटाडेल के फीचर्स इसमें आपको दिख जाएंगे, ये महत्वपूर्ण इमारतें आपको दिख जाएंगी। तो अगला हम इनमें आएंगे, दुर्ग में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें थी। तो महत्वपूर्ण इमारतें थी, पहली इमारत ग्रैनरी हमें मिला है, वी फाइंड द ग्रैनरीज हियर। ग्रैनरीज व्हाट, मालगोदाम या अन्नागार, अनाज के भंडार। अब फिर से हम अपने आप को मत सोचो वहां एक अनाज के भंडार मिले, क्या अनाज के भंडार आज नहीं मिलते। आप सोच के देखिए, FCI के गोडाउन होते हैं, FCI के अनाज के भंडार होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अनाज के भंडार या अनाज के गोदाम इसीलिए बनते हैं क्योंकि देश में सरप्लस प्रोडक्शन है और सरप्लस प्रोडक्शन को किसान बेचता है। अब आप सोचिए कि जरूर, क्योंकि कल हमने डे 2 में परसों देखा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद अनाज के गोदाम अगर मिल रहे हैं इसका मतलब लोगों के पास सरप्लस है। एक बात जरूर है, यानी लोग सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं अनाज के क्योंकि गोदाम, क्योंकि आपके पास अगर जितनी जरूरत है आपकी, अगर आप उतना ही प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप बचा नहीं पाएंगे, और अगर जरूरत से ज्यादा अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि हड़प्पा के लोग जो कृषि कार्य करते थे, जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, वो फूड ग्रेन्स ज्यादा होता था, अनाज के गोदाम यही दर्शाते हैं। दूसरी चीज, इतना हो सकता क्योंकि वहां मनी इकॉनमी था नहीं कि आप जो है ऑनलाइन टैक्स पे कर रहे हो जो आज हम करते हैं। हो सकता है कि जो रूलिंग क्लास है, आगे हम चर्चा करेंगे, पूरे क्लियर नहीं है कि किस तरह की शासन व्यवस्था थी, जो भी रूलर्स रहा होगा रूलिंग क्लास ने टैक्सेस के रूप में फूड ग्रेन्स को लेना शुरू किया होगा। यह भी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक फीचर आपको दिखाता है। इसलिए एक चीज अगर स्थित, एक चीज अगर आपको मिलती है, अनाज के गोदाम मिले हैं, तो ये कई संकेत आर्कियोलॉजिस्ट के पास, हिस्टोरियंस के पास, हमारे पास और आपके पास आता है कि ये गोदाम थे तो और क्या क्या चीज संकेत है। गोदाम थे इसका मतलब, अनाज के गोदाम का मतलब है कि फूड ग्रेन्स ज्यादा होता था तभी वो गोदाम थे,
क्योंकि अगर हमारे पास 20 किलो है, 20 किलो मेरी जरूरत है तो हम बचा नहीं पाएंगे। तो अनाज के गोदाम में हमें ग्रैनरी मिले हैं, ग्रैनरी के फीचर्स आप देखें तो दैट इज पहली बात। जो ये ग्रैनरी है ये बहुत बड़ा है, इट वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर, नंबर वन फीचर। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी सर्च करें आपको। इट वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर, और जो टूटा है स्ट्रक्चर अभी भग्नावशेष पूरा तो इंटैक्ट मिलेगा नहीं। जो निचला हिस्सा है स्ट्रक्चर का वो ईंट का बना, ऊपर हिस्सा शायद लकड़ी का बना था, तो ये अब नहीं है। यानी निचला हिस्सा मिला है और इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हम बात करें तो लगभग 46 मीटर लंबा, लगभग 46 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ाई का अनाज का गोदाम मिला है। और ऐसे ही इतने बड़े नहीं लेकिन हड़प्पा में भी हमें मिले हैं, लेकिन हम मोहनजोदड़ो की अभी बात कर रहे हैं। ये ग्रैनरीज हड़प्पा के दुर्ग में मिले हैं और ऐसे 6 ग्रैनरीज मिले हैं। इसका मतलब है कि शहरों के ये फीचर्स थे, ये सारे कहां होते थे, दुर्ग में होते थे। तो एक इमारत हमने कर लिया, दूसरी इमारत हम देखेंगे। ये सारे इमारतें आप बताओ, ये सारे इमारतें कहां मिलती थीं? मैं कहा ये सारे इमारतें, महत्वपूर्ण इमारतें दुर्ग में मिलती थीं। अब दूसरी इमारत की बात करेंगे, द ग्रेट बाथ। यानी द ग्रेट बाथ का मतलब है कि विशाल स्नानागार, ये भी मोहनजोदड़ो में खुदाई में मिला है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 8 का जरूर आप देख लीजिए, पेज नंबर 8। ये नक्शा है और नक्शे में आपको वेस्टर्न पोर्शन में, इस पोर्शन में यहां पे, इस नक्शे में आपको यहां पे आपको द ग्रेट बाथ मिल रहा है। अब ग्रेट बाथ ये क्या है, फिर इससे कंफ्यूज ना हो, चलिए आज के इससे तुलना करते हैं। आप एक स्विमिंग पूल को ले लीजिए, स्विमिंग पूल आ गया दिमाग में, स्विमिंग पूल चारों ओर क्या होगा, स्विमिंग पूल नीचे उतरने का या कूदने का, चलिए स्विमिंग पूल का आप रख लीजिए, ये ग्रेट बात वही है। क्योंकि स्विमिंग पूल वाटर टाइट होगा, ऐसा नहीं होगा कि स्विमिंग पूल पानी भरा हुआ है, पानी रिस रहा है, सड़क पे जा रहा है, बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, ऐसा होगा नहीं। चेंजिंग रूम्स होते ही हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल का ठीक है ये चीज। एक स्विमिंग पूल दिमाग में आज का रखिए, उसके बाद हम ग्रेट बात की चर्चा करते हैं। पहली बात, यह भी एक बहुत कहते हैं, इट वॉज द ग्रेट बैथ। जब इसको खुदाई हुई तो इस जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन्होंने कहा कि इट वॉज अ वेरी इंपोजिंग स्ट्रक्चर। इंपोजिंग स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको देख के कहते वाओ एक्सेलेंट। अब ये द ग्रेट बैथ, यहां भी आप देखेंगे ध्यान से जिस तरह आपने रिस्पॉन्ड किया। अब हम ग्रेट बात की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये ग्रेट बात आपको मिल रहा है, ये खुदाई में मिली है। मैं पहले पढ़ा दूं ग्रेट बात के फीचर्स, ये आप देख लीजिए। इसका आकार आयताकार था, रेक्टेंगुलर। ये देखिए, ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण इमारत थी, इसका आकार आयताकार था। चलिए मैं पूछूंगा, तुरंत आप जवाब देना। आई होप मेनी ऑफ यू आर राइटिंग, क्योंकि इतने एक्सीलेंट तुरंत तुरंत आंसर मिलना। आयताकार जलाशय, नंबर 2, 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लीडिंग टू द ग्रेट बाथ। नीचे उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां, यहां सीढ़ी है, यहां सीढ़ी है। 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन लीडिंग टू द टैंक, नंबर 2। सीढ़ियां थी, सीढ़ियां आज भी होती हैं नीचे उतरने के लिए। तीसरी बात, चारों ओर कॉरिडोर हैं,
that the rectangular tank, this great bath, it was surrounded by a corridor on four, all four sides. चारों ओर corridor है. अब तीन features हमने बताए आपको. तीन features आप यहां देख लीजिए. ये great bath है. ये चारों ओर आपको दिख रहे हैं. ये चारों ओर corridor हैं. इस तरफ आपको ये सीढ़ियां दिख रही हैं. ये उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं. हम ये मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ की, विशाल स्नानागार की हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट फीचर्स हमने देखा कि इट वाज मेड वाटर टाइट. वाटर टाइट बनाना क्यों? क्योंकि पानी भरा रहेगा और ये पानी रिसे नहीं, इसका पूरा प्रबंध था. नंबर थ्री पॉइंट, दैट वॉज Great bath was made watertight by using the gypsum, by using the bricks. ये चारों कोनों को जलबद्ध किया गया था. It was made watertight ताकि पानी, ये this is number three. अब ये जो great bath के जो floor थे, जो सतह होती थी, ये burnt brick, ये पक्की ईंटों की बनी होती थी. जो कच्ची ईंट किया गया तो क्या होगा, वो भरभरा हो जाएगा, ईंट गल जाएगा, वो फिर मिट्टी बन जाएगी. पक्की ईंटों के बने हुए. चार फीचर्स. नंबर वन फीचर, आयताकार. नंबर टू फीचर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स. नंबर थ्री फीचर्स, चारों ओर गलियारा है, चारों ओर कॉरिडोर्स हैं ऑन ऑल फोर साइड्स. एंड नंबर फोर, दैट वाज इसके फ्लोरिंग वाज मेड ऑफ द बर्न ब्रिक्स. चेंजिंग रूम्स हैं नंबर फाइव. नंबर सिक्स, अब ये पानी अगर भरा है तो पानी सफाई भी होनी चाहिए, नहीं तो पानी तो दो दिन तीन दिन के बाद पानी तो गंद करेगा, फिर लोग नहाएंगे कैसे. यानी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिक क्लीनिंग. द ग्रेट बाथ का इट वाज द मेन फीचर, समय समय पर इसकी सफाई का प्रबंध था. बस इतना, दिस वन पॉइंट इज सफिशियंट. अब इसको आपको प्रूव करना है. हाउ, क्यों आपको ऐसा मिला? क्योंकि नालियां आपको वहां से कनेक्टेड नालियां हैं, यानी सफाई, और पास के कमरों में बना हुआ एक कुआं है. यानी द टैंक दैट ग्रेट बाथ वॉज फेड बाय द दैट वेल. कुएं से पानी भरा जाता होगा और वो गंदा पानी, ग्रेट बाथ का वो पानी, देन इट वॉज डिस्चार्ज इन टू द वेल्स एंड वेल वॉज कनेक्टेड टू द वेल्स ऑफ द स्ट्रीट्स. पांच या छह पॉइंट हो गए. देयर वर द रूम्स, चेंजिंग रूम्स. In one of the room, you will find a well. Probably, not probably, 100% ये sure था कि उस कुएं से ग्रेट बाथ में पानी आता था और वहां का ग्रेट बाथ का पानी पास के ड्रेन से, पास के नाले से वो बाहर निकलने का. That was the system of the periodic cleaning of the great bath. लंबाई आपके बुक में है नहीं, लंबाई चौड़ाई, लेकिन ये 39 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा और ये 8 फीट गहरा था. ग्रेट बाथ 39 फीट लंबाई थी, 23 फीट इसकी चौड़ाई थी और 8 फीट गहरा था. अब ये इस्तेमाल कहां होता होगा? सिंपल स्विमिंग पूल हमने बोल तो दिया, आपने दिमाग में रख लिया, इसीलिए कि वो स्ट्रक्चर आप स्विमिंग पूल वाला लाएं, ना कि उनके सारे फीचर्स ले आए कि गर्मी है, एक हॉबी है, एक स्विमिंग सीखना चाहते हैं, या अच्छा स्विमिंग सीखना चाहती हूं, वहां गए और इसके बाद हमने दो महीने के कोर्स लिए. बिल्कुल इस फीचर को आप दिमाग से निकाल लीजिए. एक हमारे यहाँ एक धार्मिक परंपरा है कि दैट इज द एक किसी अनुष्ठान या किसी विशेष अवसर पर स्नान का, इसको कहते हैं रिचुअल बाथ. अब वो पूर्णिमा हो, कभी हमारे यहां परंपरा है, तो शायद ग्रेट बाथ में रिचुअल बाथ, यानी इस हिसाब से यह पॉइंट आप हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास से भी आप जोड़ सकते हैं. यानी वहां रिचुअल बाथ या अनुष्ठानिक स्नान की परंपरा शायद रही होगी. यानी ये हम धार्मिक प्रथा या रिलीजियस बिलीफ में भी जोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल हम ग्रेट बाथ के फीचर्स, हमने छह सात फीचर्स आपको देख लिए. एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर आपसे तुरंत पूछा जाए कि अब ग्रेट बाथ आप दिमाग में लाइए, अब ग्रेट बाथ का आप ये देखिए, आप इसका आकार कैसा था,
दूसरी बात, इसकी विशेषताएं, हमें सिर्फ तीन विशेषताएं चाहिए। पिछला हमने प्रश्न में दो देखा, अभी हमें ये, आपके पास स्नानागार है मोहनजोदड़ो का जो खुदाई में मिला है, इसकी हमें तीन विशेषताएं आप बताएं, फटाफट कमेंट करें तीन विशेषताएं। क्योंकि जब हमने ग्रेट बात कहा, हमने कहा कि आप दिमाग में स्विमिंग पूल लाइए, उसके सारे फीचर्स मत लाइए कि हम वहां हॉबी क्लासेस लेंगे, ये नहीं है, वो सिर्फ लाइए कि इस तरह के होंगे। अब आप आइए ग्रेट बात में, फटाफट कमेंट दीजिए थ्री फीचर्स ऑफ द ग्रेट बात। Yes, Priyanka, Mamta, I asked for the three features. It was made out of the big bricks. Three features humne kaha. Priyanka, that was the first feature you have mentioned. That was the corridor. Yes, corridor. Excellent. But two more features. Aapne dimag mein. Next is the Gautam Sam. The four side corridors. Watertight. Rectangular shape. One. Very good. Very good. Excellent for Gautam. Now is the Muskan Tandon. Staircases on the two, yes, Muskan, very good. Priyanka Malik, floor was made up of bricks, watertight, very good. Harsh Kumar, it was a ritual bath used for watertight, stairs, corridors, 5 marks questions, you have done it. एक्सीलेंटली आपने 5 मार्क्स क्वेश्चन कर लिए हैं और ये 5 मार्क्स सिर्फ इतना ही लिख देंगे, आप मार्क्स की चिंता छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट को आप, वेरी गुड हर्ष। दिव्यांशी, दैट द चेंजिंग रूम्स वॉटर टाइट, periodic cleaning of water, very good points you have mentioned. Corridors on four sides, this is Karishma Sahu. There were the changing room, changing roofs, Karishma Sahu, it's not the roof, rooms, kamre. There was rectangular, regular cleaning of water in the great bath. It was rectangular in shape. Karishma Sahu. 4 points you have mentioned. It means, lecture aap repeat to nahi kar rahe honge, lekin aap jaroor usko likh rahe honge. Ya aapke paas kitabe hain. Aap iske baad, maine kal aapke comments dekhe the. Comments mein tha, sir mujhe iska kya notes milega. I, mujhe lag raha hai. जो रिस्पॉन्सेस आपके आ रहे हैं उसके बाद जो कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आई विल ट्राई कि मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो हमने आज दो चीज की, अब ये हम ग्रेट बात के बाद, हम अभी कमेंट्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, मुस्कान टंडन, चौधरी आर्यन जर्मेज है, वेरी गुड। इट वॉज मेड अप ऑफ वॉटर टाइट बाय यूजिंग द जिप्सम, फ्लोर्स वेयर मेड ऑफ द वुडन ब्रिक्स, वुडन ब्रिक्स, चौधरी आर्यन, वुडन ब्रिक्स मीन्स इट्स नॉट ट्रू, टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, चौधरी आर्यन, वेल डन, 1 पॉइंट थोड़ा सा सुधार लीजिए,
Riddhi Mohini, the great bath, was a good. Shubham Prajapati, Nandika, Dev Singh Ajad, very good, excellent, excellent. टू फीचर्स हमने दो इमारतें देख ली. अब हम देखें महत्वपूर्ण इमारतें, यानी ये हम बात कर रहे हैं ओके ग्रेट बात की बात कर रहे हैं, और उसके पहले हमने बात की द ग्रैनरी के बारे में, यानी ये सारे दुर्ग में. अब आपसे एक सवाल, आप पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे सीताडल पे आएगा, और ये 5 मार्क्स 3 मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप दुर्ग आते ही आपके दिमाग में दुर्ग ऊंचाई पे थे, पश्चिमी भाग थे, रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, दुर्ग में कई इमारतें थी, यही इमारतें थी, ये आप थोड़े सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो. ग्रैनरी के बाद, द ग्रेट के बाद, अब आइए तीसरा जो हमें मिला है वो है पिलर्ड हॉल. दिस इज द थर्ड पॉइंट, पिलर्ड हॉल. सी इफ यू हैव द बुक पेज नंबर 8, पिलर्ड हॉल, देयर इज अ मैप. मैप के साउथ डायरेक्शन में आप देखिए आपको खुदाई में पिलर्ड हॉल मिला है, और आपके किताब में पेज नंबर 8 में नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर देयर अदर स्ट्रक्चर्स इन द सिटाडेल अपार्ट फ्रॉम द वेयर हाउस अपार्ट फ्रॉम द ग्रैनरी एंड द ग्रेट बाथ. क्या ग्रेट बाथ और ग्रैनरी के अलावा भी कोई बिल्डिंग, तो हमने अभी कोई बिल्डिंग्स मिली है, तो हमने अभी कहा पिलर्ड हॉल. ये आपके मैप को आप ध्यान से देखेंगे, उसी में आपको पिलर्ड हॉल नाम ही है, स्तंभ वाली इमारत. कई पिलर हैं, घर में भी बनते हैं पर इमारतें बनती हैं. पिलर्ड हॉल ये खुदाई में मिला है, ये पिलर्ड हॉल. दैट इज द थर्ड बिल्डिंग दैट इज वर्थ मेंशनिंग हियर. That's the excavation of the pillared hall and 20 pillared hall ye tha. And shayad iska prayog, probably it was used for the administrative purposes. Kisi shashi ke kaare ke liye, kisi prashasnik kaare ke liye, shayad iska istamal hota raha hoga. Phir aap dekhiye, usme college ek mahavidyalay ke bhi praman hume mil rahe hain. Number 4 mein aap college dekhenge. फिर आप पुरोहितों के लिए कुछ आवास के भी प्रमाण मिले हैं, पुरोहित आवास. इस हिसाब से दुर्ग के महत्वपूर्ण इमारतें आपने देख लिया. पहला द वेयर हाउस यानी अनाज के गोदाम. नंबर 2 हमने देखा द ग्रेट बैग, स्नानागार, विशाल स्नानागार. और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी इस पीरियड में भी हम KVS वाले हम एक साथ से जुड़े हैं, एंड वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो वी विल फर्दर इम्प्रूव आवरसेल्व्स. जो भी कमी थी शुरू के 1-2 दिन बोर्ड में दिक्कत हुई, लेकिन आज बोर्ड वाले प्रॉब्लम भी नहीं है. सो आई कैनॉट गो फर्दर. आगे हम टॉपिक कल हम बात करेंगे. आज हमने ये चीजें हैं, याद रखिए टॉपिक खत्म करना ज्यादा जरूरी नहीं है, जितसे ज्यादा जरूरी टॉपिक को अच्छे से समझने के साथ आगे बढ़ना है. ओके तो असाइनमेंट तो हमने साथ साथ आपको दे दिए, फिर भी असाइनमेंट आप जरूर नोट कीजिए. कल हम इंस्टेंटली हम पूछेंगे, तुरंत सवाल पूछेंगे, हमें तुरंत जवाब चाहिए. तो फर्स्ट सेकंड जवाब 3 जवाब को इनाम के तौर पे क्या मिलेगा, इनाम के तौर पे आपको योर अप्रिसिएशन, आपको अप्रिसिएशन, और सबसे बड़ी बात एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स. कुछ प्रश्न हमने तैयार किए हैं, लेकिन हमारा इंटरेक्शन के चक्कर में इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा. अभी भी मुझे जवाब दिख रहे हैं, मैंने लैपटॉप खोल रखा है सामने, और आपके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जो भी कमियां हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने का. सो आज के असाइनमेंट आप थोड़ा नोट कर लीजिए. आप बुक में भी देखेंगे पीछे की तरफ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी जितने हमने जितने सवाल किए सारा एक सवाल है. डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो.
तो ये सारे मोहनजोदड़ो के फीचर्स हैं, और हर एक फीचर एक 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। अब ग्रेट बार पे क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द ग्रेट बार, दिमाग में आ गया आपके स्विमिंग पूल, लेकिन लिखेंगे नहीं। क्या नहीं लिखेंगे? हॉबी क्लास के लिए जाते हैं, पैसे लगते, ये ना लिख के हमें स्ट्रक्चर दिमाग में है स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल का प्रयोग क्यों किया जाता होगा? कहीं ना कहीं ये एक रिचुअल बात, एक अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ऐसे प्रश्न दिमाग में रखिए आप। दूसरा है सिटाडेल की विशेषताएं, ये असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए। कल ये रिक्वेस्ट था, आई फॉरगॉट द नेम, सर आप असाइनमेंट थोड़ा धीरे पीजिए। ऐसे मैं कोशिश करूंगा, केवीएस के इंस्ट्रक्शंस भी हैं अब की, हम कोशिश करेंगे असाइनमेंट्स आपको यहां अपलोड करें। फिर भी आप लिख लीजिए, हम इसी से क्वेश्चंस अपने आप भी आप बना सकते हैं, आप बोर्ड के भी आप देख सकते हैं चैप्टर बेस्ड। द फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, द टाउन प्लानिंग फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो। इट वॉज ए प्लान सिटी, बस्ती होते थे, बस्ती के दो भाग होते थे। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे सिटाडेल क्या था, आपने अभी 4-5 आंसर्स दिए। तीसरा आप लिखेंगे व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, 4-4 डिफरेंसेस। फिर आप लिखेंगे दुर्ग की इमारतें, ग्रैनरी, ग्रेट। ग्रेट बात पे अलग से प्रश्न आप बना ही लीजिए ग्रेट बात, क्योंकि आपने 7 पॉइंट्स अभी आपने देखे हो। और दुर्ग में पाए जाने वाले शासकीय इमारतों का वर्णन करें। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आपको देखना है, आप टेक्स्ट बुक देखें, ऑनलाइन लेक्चर्स देखें, कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी, एंड इट इज प्रोएक्टिव, यू आर वेरी प्रोएक्टिव, एंड इट इज वेरी प्रोडक्टिव efforts of the KVS, and you are taking advantage of this online platform. So thank you very much. Okay, ghar mein rahiye, safe rahiye, aur aap chapter ko padhiye, chapter ko us cheezon ko padhiye, points banaiye, aur kal aap fir jawab dijiye. Okay, thank you.